हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो आई होप आप सभी अपने एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बख्शिश के सॉल्यूशन देख रहे होंगे। हमने सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सभी सॉल्यूशन देख लिए हैं, तो आप जरूर से चेकआउट करें हमारे जो वीडियोस हैं। तो एंड लाइन असेसमेंट तक कंप्लीट हो चुका है आपका वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश का। यहाँ पर हम डन करेंगे अब जल्द ही सब्जेक्ट विज्ञान का भी, तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 17 से सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर हम कार्यपत्रक 17 और 18 देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कार्यपत्रक 17 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के तीनों कणों व उनके खोजकर्ता के नाम लिखिए। तीनों कणों को नाम लिखना है आपको, क्या होता है PEN, ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो मैं इसी तरह से याद कर दी थी, तो मैंने आपको बताया है, ठीक है, तीनों कणों के नाम आ गए। अब देखिए प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने, किसने की, गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, किसने की थी, जेम्स चैडविक, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, 2n2, जहां पर n होता है कक्षा संख्या। थर्ड क्वेश्चन है, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। 8 होने के बाद में वो नेक्स्ट कक्ष में जाता है, ठीक है। निम्नलिखित तत्व का इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 6, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1, एल्यूमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन, तो किस क्रम में रहते हैं ये, 2 8 3 के क्रम में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में परमाणु की संयोजकता बताइए। तो देखिए यहाँ पर है +1, यहाँ पर है -3, यहाँ पर है 0। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 17 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 18 का सॉल्यूशन। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको साथ के साथ इसे नोट डाउन करते जाना अपनी वर्कबुक में। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, परमाणु संख्या परमाणु के कौन से कणों की संख्या के बराबर होते हैं, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। जेड संकेत किसको दर्शाता है, परमाणु संख्या को। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, तत्व परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करने का सूत्र लिखिए। तो द्रव्यमान संख्या तत्व का प्रतीक, परमाणु संख्या, तो इस तरह से आपको प्रदर्शित करने का जो सूत्र है वो लिखना था। निम्नांकित तत्व की परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या का मान लिखें, 8O16 में परमाणु संख्या 8 है, द्रव्यमान संख्या 16, जो ऊपर वाली संख्या वो जो द्रव्यमान संख्या है वो होती है, नीचे वाली होती है परमाणु संख्या, ठीक है। तो C6C12 में है, परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 12, 1H1 में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या 1-1 है। 17Cl क्लोरीन में यहाँ पर 35.5 इसकी द्रव्यमान संख्या होती है और परमाणु संख्या होती है 17। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 18 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 18 और 17 का सॉल्यूशन। जल्दी हम आगे के कार्यपत्रक भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी एग्जाम से रिलेट देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।